ये एक तरीके से धीरे धीरे से हमें पॉइजन देने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और हमें धीरे धीरे पॉइजन मिलेगा। हल्द्वानी वालों को इतनी परेशानी हो रही, बीमार हो जा रहे हैं, सुशीला तिवारी ही पहुँच रहे हैं, अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, बहुत दवा दारू करनी पड़ रही इसके लिए, और ये कूड़ा यहाँ से हट नहीं रहा है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई ट्रेंचिंग ग्राउंड की, कई लाख रुपए की बर्बादी करके, और अब कूड़ा सड़क पे फेंका जा रहा है, डिवाइडर पे फेंका जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम को वन विभाग ने 4 हेक्टेयर भूमि कूड़ा निस्तारण प्लांट बनाने के लिए दी है। शर्तों के अनुसार नगर निगम को इसी क्षेत्र में कूड़ा डालना है, लेकिन नगर निगम ने कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड के सामने आरक्षित वन भूमि में भी कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। अब कूड़ा 4 लेन हाईवे तक पहुंच गया है। सड़क तक कूड़ा पहुंचने से आम लोगों का गुजरना दूभर हो गया है। वलापार और इंदिरा नगर के लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फैलते कूड़े से लगातार लोग बीमार भी हो रहे हैं, और जनता को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए हल्द्वानी विधायक सुमित त्रिदेश स्थानीय लोगों के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड पहुंचे और नगर निगम हल्द्वानी व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द इस कूड़े का समाधान नहीं किया जाएगा तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहां खड़ी है, सड़क पर कूड़ा डंप कर रही है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई ट्रेंचिंग ग्राउंड की, कई लाख रुपए की बर्बादी करके, और अब कूड़ा सड़क पे फेंका जा रहा है, डिवाइडर पे फेंका जा रहा है। अभी मेरी जो स्वास्थ्य के अधिकारी नगर निगम के, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ गतिविधि बताई है जो नगर निगम संबंधित इस ट्रेंचिंग ग्राउंड संबंधित है। तो मैंने उन्हें हफ्ते की जगह 15 दिन दिए हैं। क्या 15 दिन में स्थिति में अगर हमें सुधार नहीं दिखा तो इस बारी बड़ा जन आंदोलन होने की यहाँ पे तैयारी हम कर रहे हैं। ये देखिए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर, जो असलियत अभी सामने दिखी अंकिता भंडारी कांड के बाद, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, आपको स्वच्छता का प्रमाण चाहिए, स्वच्छता का बल्कि प्रतीक अगर कुछ है तो ये पहाड़ जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है और इससे फैलने वाली जो बीमारी है, जो प्रदूषण है, जिसकी वजह से यहाँ के नागरिक, 3 विधानसभाओं के नागरिक यहाँ पे पीड़ित और परेशान है, तो आप खुद सोचिए कि नगर निगम हल्द्वानी कितना बड़ा जनहित के बारे में सोचता और कितना स्वच्छ भारत अभियान वो करने की प्रयास करता है। जो ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला है, ये पहले भी जब हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय थी तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन करा था, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें आश्वासन दिया था, यहाँ के मेयर साहब ने आश्वासन दिया था कि अधिशीघ्र इसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे जो इंदिरा नगर के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पूरी बस्ती है ये वनभूपुरा क्षेत्र में आती है, और वनभूपुरा क्षेत्र के लोगों ने इस बार एकजुट होकर 28 से 30 हज़ार वोट कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश को दिया था। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से ये हम लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रही है, और जितनी यहाँ पर गंदगी होगी ये एक तरीके से धीरे धीरे से हमें पॉइजन देने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और हमें धीरे धीरे पॉइजन मिलेगा। इशरत अली, परेशानी हो रही है हमें, सांस लेने की बहुत बदबू आ रही है सांस लेने में, और पूरा इंद्रनगर यहाँ का परेशान है, और इस वजह से पूरा हल्द्वानी परेशानी में है कि हल्द्वानी वालों को इतनी परेशानी हो रही, बीमार हो जा रहे हैं, सुशीला तिवारी पहुँच रहे हैं, अस्पतालों में पहुँच रहे हैं, बहुत दवा दारू करनी पड़ रही इसके लिए, और ये कूड़ा यहाँ से हट नहीं रहा साहब जी। ये बिल्कुल काम होता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। पहले उन्होंने बाउंड्री कर दी दीवार यहाँ कि दीवार के पार पड़ेगा कूड़ा, अब वो दीवार को छोड़ करके यहाँ से डालना है रोड पे, हमारे दरवाजे पर है, बिल्कुल हमारे दरवाजे पर, हम इतनी दिक्कत है, हम जान रहे हैं इसके लिए, पूरा हमारा मोहल्ला परेशान है, पूरी बस्ती परेशान है। मैं सनवर शेर खां।